वेलकम फ्रेंड्स। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोरोंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे हमारी जॉब रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जॉब लोकेशन बता दूंगा गाइस, और गाइस सारे के सारे जॉब गाइस ज्यादातर इसमें फ्रेशर जॉब है, क्योंकि ज्यादातर इस दो कंपनी में जॉब बताऊंगा, दोनों में गाइस ज्यादातर सिविल की जॉब्स रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट से गाइस जॉब्स आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। यहाँ पे गाइस कंपनी हमारे पर्स पे है गाइस। यहाँ पे गाइस आप लोकेशन चेक कर लो पहले इसकी, इंडिया में भी गाइस ऑपरेट करते हैं ये, यहाँ पे देखते हैं आप इंडिया में भी ये ऑपरेट करते हैं। और गाइस यहाँ पे आप देखते हैं, तो गाइस इसमें जॉब निकाल दूंगा, तो गाइस यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे, तो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे गाइस आपको मैं दिखा दूँ जॉब, तो गाइस सर्च जॉब्स पे क्लिक करेंगे, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट वीक का जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो गाइस जो जॉब से जो फ्रेशर जॉब है गाइस वो रहने वाली है सिंगापुर में। इंडिया में गए इनकी जॉब्स ज़्यादातर नहीं रहने वाली हैं, तो मैं आपको गए जैसे दिखा दूँ सिंगापुर में जो जॉब्स हैं गए उसके लिए इन्होंने नहीं मंगा हुआ है कुछ भी, जैसे कि गए इन्होंने बोला नहीं हुआ कि रेजिडेंट वगैरह उसमें गए जैसे नहीं मंगा हुआ इन्होंने कि सिंगापुर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। तो गए आप भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर करना है गाइस कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो जॉब है गाइस फ्रेशर के लिए रहने वाली है, यहाँ पे देखते हैं आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग की जॉब है गाइस। और गाइस यहाँ पे गाइस 5 जनवरी को गाइस आई हुई थी, और गाइस 31 अगस्त तक लास्ट डेट है इसकी, 31 अगस्त गाइस लास्ट डेट है इसकी। तो गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ लिखी हुई है, और गाइस यहाँ पे इनकी गाइस क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, हम देखते हैं बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, नॉलेज ऑफ ऑटो कैड इंजीनियरिंग कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो गाइस आपके लिए अच्छी जॉब है गाइस। तो गाइस आप करना चाहते हैं जॉब अगर, तो गाइस ये सिंगापुर में लोकेशन रहने वाली है, आप कर सकते हैं यहाँ पे भी अप्लाई, क्योंकि गाइस इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि गाइस सिंगापुर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे गाइस आप भी अप्लाई कर पाएंगे, आप भी यहाँ पे गाइस अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जॉब है गाइस, यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है, सिंगापुर वर्क लोकेशन है, और गाइस ईपीसी कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेशलाइजेशन रहने वाला है, अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं गाइस, 31 से पहले पहले अप्लाई कर देना। एक और जॉब है गाइस 2-3 इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये भी फ्रेशर थी गाइस जो कि डिज़ाइन इंजीनियर की थी। तो गाइस आपको मैंने लास्ट वाली जॉब दिखाई, अब गाइस साइट इंजीनियर की जॉब दिखा देता हूँ। तो गाइज ये सिंगापुर और ओवरसीज में रहने वाली है एक लोकेशन, तो गाइज यहाँ पे भी गाइज इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि गाइज सिंगापुर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, तो गाइज आप भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो गाइज इसमें भी गाइज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर अप्लाई कर पाएगा गाइज जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है, और लास्ट डेट इसकी भी 31 अगस्त है। तो गाइज इसमें भी देख लेना, अप्लाई करना हो गाइज अप्लाई कर देना गाइज, अच्छी जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट गाइज आपको जॉब दिखा देता हूँ, जैसे हम बैक के क्लिक करेंगे, तो गाइज यहाँ पे लॉजिस्टिक ऑफिसर की जॉब है, तो गाइज ये भी फ्रेशर के लिए है, यहाँ पे डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ गाइज WSHO की जॉब है गाइज, इसमें गाइज मिनिमम 3 का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे गाइज क्वालिफिकेशन FSM मांगी हुई है। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं सिस्टम एनालिस्ट, तो गाइज इसमें गाइज डिप्लोमा डिग्री इन, तो गाइज इसमें आप देखते हैं बेसिकली गाइज यहाँ पे CSE वाले अप्लाई कर पाएंगे, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और गाइज यहाँ पे टोटल 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज जो मैंने आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और गाइज सिविल वाले को बताई गाइज ये 2 जॉब्स, इसमें गाइज अप्लाई कर देना, फ्रेशर जॉब है दोनों ही गाइज, सिंगापुर में लोकेशन रहने वाली है। तो गाइज नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं गाइज, तो गाइज नेक्स्ट आप कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं लोगोस, तो गाइज ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज, ऑफिशियल वेबसाइट से जॉब आती है सारी सारी, इस कंपनी के बारे में गाइस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है गाइस, इसकी जो जॉब रहने वाली है सारी इंडिया में ही रहने वाली है, तो इसकी जॉब आपको दिखा देता हूँ। गाइस हम यहाँ पे कैरियर पे क्लिक करेंगे, कैरियर पे क्लिक करने के बाद गाइस इनकी जॉब्स आ जाएंगी, तो गाइस यहाँ पे जैसे जॉब्स आ चुकी हैं गाइस, टोटल 2 पेजेस है यहाँ पे, सारी जॉब्स आपको बताऊंगा गाइस। तो पहली गाइस हमारी जॉब रहने वाली है सेफ्टी इंजीनियर की, तो गाइस लोकेशन इसकी रहने वाली है चेन्नई, इस पे गाइस यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे येलो कलर, यहाँ पे येलो टेक्स्ट में लिखा हुआ है गाइस चेन्नई। तो गाइस इस पे क्लिक करूंगा मैं अप्लाई नाउ पे, तो गाइस इनके सारे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गाइस आपको दिखा दूँ मिनिमम गाइस 3 ईयर का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, चेन्नई यहाँ पे लोकेशन है, अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ गाइस, इसमें गाइस आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर एंड सेफ्टी, तो गाइस ये इसमें मंगा है। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है गाइस स्टोर इंचार्ज की, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, गाइस मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का है, और टोटल केसेस 4 है गाइस, परमानेंट जॉब रहने वाली है, एनी डिग्री गाइस इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और 12th पास भी अप्लाई कर पाएंगे एनी डिग्री गाइस। और यहाँ पे देखते हैं चेन्नई लोकेशन, इसमें तो बीटेक के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिखा दूंगा गाइस,
अकाउंटेंट की जॉब है गाइस, मैं चेक कर लेते हैं। तो गाइस इसमें गाइस परमानेंट जॉब रहने वाली फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 3। तो गाइस 3 यहां पे वैकेंसीज है, बीकॉम वाले अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको दिखा दूंगा गाइस, प्लानिंग इंजीनियर की गाइस जॉब है ये, इस पे क्लिक करेंगे गाइस अप्लाई नाउ पे, लोकेशन चेन्नई गाइस, मिनिमम 3 का एक्सपीरियंस, परमानेंट जॉब, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, बीटेक की गाइस बीटेक डिप्लोमा इन सिविल। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं बीटेक के अप्लाई कर पाएंगे, डिप्लोमा इन सिविल वाले भी अप्लाई कर पाएंगे यहां पे। प्लानिंग इंजीनियर की जॉब है गाइस, लोकेशन है चेन्नई। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा दो गाइस। नेक्स्ट गाइस प्रोजेक्ट इंजीनियर की, इस पे क्लिक करेंगे, लोकेशन चेन्नई इसकी भी। गाइस मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसी 3, डिप्लोमा और बीटेक इन सिविल। गाइस यहां पे बीटेक डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सिविल में की हुई है। और गाइस यहां पे लोकेशन देख सकते हैं आप चेन्नई, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब है। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा दूंगा इस साइट इंचार्ज की, इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे गाइस। तो यहां पे देख सकते हैं गाइस, नीचे आपको दिखा दूं, क्वालिफिकेशन बी इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो गाइस इसमें देख लेना आप, यहां पे गाइस मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 वैकेंसीज है, परमानेंट जॉब है गाइस इसमें। गाइस मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देख लेना गाइस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे गाइस सारा कुछ पढ़ लेना है इनका। नेक्स्ट आपको जो दिखाता हूं गाइस, नंबर 2 पेज पे चलेंगे। तो गाइस यहां पे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है सिविल में, इस पे क्लिक करेंगे गाइस, इसकी लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन गाइस की आपको बता दूं, इसकी लोकेशन यहां पे लिखी नहीं हुई इन्होंने। तो गाइस यहां पे देखते हैं बी इन सिविल, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन सिविल, मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस। तो गाइस इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, यहां पे नीचे इन्होंने 8 ईयर का ही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, परमानेंट जॉब है। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा दूं गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वांटिटी सर्वेयर्स की, इस पे क्लिक करूंगा गाइस अप्लाई नाउ पे। तो गाइस मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, बी इन सिविल, डिप्लोमा इन सिविल, 2 वैकेंसीज है, परमानेंट जॉब है, चेन्नई लोकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, इस पे क्लिक करेंगे गाइस अप्लाई नाउ पे। तो गाइस इसमें लोकेशन नहीं बताई हुई है, बी इन सिविल, फुल टाइम जॉब रहने वाली है गाइस, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की जॉब है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है यहां पे गाइस, मिनिमम 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज गाइस 1 है इसमें। नेक्स्ट गाइस आपको जॉब दिखा दूं गाइस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब है गाइस, इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। तो गाइस यहां पे देखिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पे लिखा हुआ है, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसी 3, परमानेंट जॉब रहने वाली है, क्वालिफिकेशन है डिग्री और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल साइंस, सिविल इंजीनियर। तो गाइस कंस्ट्रक्शन वाले मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस जो जॉब्स मेरे को मिली सारी मैंने आपको बता दी। तो गाइस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू गाइस।